तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब वीपी सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो वो जनता के हीरो बन गए। गैर कांग्रेसी दलों ने वीपी सिंह का साथ दिया और 1989 के चुनाव में वीपी सिंह की जनता दल ने राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया और वीपी सिंह लेफ्ट और बीजेपी के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन चौधरी देवीलाल के खुले विरोध और बीजेपी के अंदर की बेचैनी से निपटने के लिए वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया। छात्रों में इस फैसले की कड़ी प्रतिक्रिया हुई और कुछ छात्रों ने खुद को आग तक लगा ली। देश जाति के आधार पर बंटने लगा और सियासत उस दहलीज पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगड़ों और पिछड़ों को वोट बैंक में बदलने की कवायद शुरू हो गई। अब आगे सत्ता और समाज दोनों आंदोलन के जरिए कैसे करवट लेते हैं ये लगातार नजर आने लगा। जैसे जैसे मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर हंगामा मच रहा था वैसे वैसे सियासत भी पूरे उफान पर थी। फरवरी 1990 में पहली बार अयोध्या आंदोलन की गूंज राजनीतिक तौर पर साधु संतों की कार सेवा को लेकर शुरू हुई और संयोग से इसी वक्त मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर पहली बहस वीपी ने भी छेड़ी। लेकिन अद्भुत ये दौर था और जून 1990 में पांचजन्य में एक इंटरव्यू छपा हुआ इंटरव्यू अडवाणी ने दिया और किसे दिया, तरुण विजय को जो संपादक थे, और आंदोलन अयोध्या आंदोलन को कहकर इस तरीके की हवा दे दी कि हंगामा मच गया। अडवाणी ने कहा कि अक्टूबर में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन होगा अगर अयोध्या मसला सुलझाया नहीं गया तो। इस तो में बहुत कुछ छपा था। मंडल कमीशन की सिफारिशों के दौर में सड़क पर आंदोलन थे, स्थितियां ये थी कि वीपी लागू करवा रहे थे और बीजेपी के छात्र संगठन एवीवीपी विरोध कर रहे थे। वामपंथी छात्र संगठन भी सड़क पर दोनों के एक साथ विरोध करने के लिए उतर आए। अब कल्पना कीजिए, छात्रों को सियासत बांध रही थी या छात्र सड़क पर सियासत को बांध रहे थे। अगस्त 1990 मॉरिस नगर नई दिल्ली, सड़क पर आंदोलन का ये नया चेहरा था। गुस्सा दिल में लेकिन हिंसा नहीं, सिर्फ मोमबत्ती के जरिए समाज में रोशनी देने का सवाल या फिर सरकार की नीतियों से फैलते अंधेरे के खिलाफ मोमबत्ती की लौ। दिल्ली संघर्ष का केंद्र बना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आंदोलन की जमीन। विरोध था लेकिन सरकार के फैसले से एक तबका खुश भी था। अभी तक सीधा टकराव सड़क पर छात्रों के बीच हुआ नहीं था मगर वीपी सड़क के इस आंदोलन में खलनायक करार दिए जा चुके थे। मगर आरक्षण का लाभ पाने वाले छात्रों के बीच वीपी नायक भी थे लेकिन वीपी को नायक कहने अभी भी कोई सड़क पर उतरा नहीं था क्योंकि कश्मकश तो सरकार के बने रहने तक खड़ी हो चुकी थी। साइलेंटली हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया, कैंडल मार्च भी निकला, एवरीथिंग, मतलब जो कर सकता है एक आंदोलन में इंसान वो सब किया हम लोगों ने। रात रात भर हम लोग सड़कों पे बैठे रहे, रोड जाम रहा पूरा, मतलब आंदोलन इस रूप में था कि कहीं से कोई भी ना हटने को तैयार नहीं था कि हम हट गए तो फिर वो आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। इसी कशमकश में 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगभग 3000 छात्र इकट्ठे हुए। वीपी सिंह के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए छात्रों का मार्च सड़क पर शुरू हुआ। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सामने का चौराहा आंदोलन का जीरो माइल था। छात्रों का झुंड वहां पहुंचकर रुक जाता।
कभी मौका लगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस चौक पर जाकर आज भी आंदोलन की खुशबू सूंघी जा सकती है। चौक पर एक सरिया निकला हुआ है, किसी ने इसे मंडल चौक करार दिया तो किसी ने कहा क्रांति चौक। जी, टकराव किस हद तक था ये आप समझ सकते हैं, लेकिन अनकहा सच यह है कि उस कितनी रातें इस चौक पर छात्रों ने सिर्फ ब्रेड और चाय के जरिए गुजारी थी। लेकिन आइए आपको दोबारा लिए चलते हैं उसी सड़क पर। क्रांति चौक हम लोगों ने एक जगह बनाया था जहां आंदोलन शुरू हुआ था, वहां तो हम लोगों का 24 घंटे का एक जगह था जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई, तो वहां पर लोग हमेशा बैठे रहते थे। लेकिन प्रोटेस्ट के लिए हम लोग माल रोड पे भी जाते थे, होम मिनिस्टर के घर भी गए हम लोगों ने, वहां भी प्रोटेस्ट किया, दिल्ली पुलिस हेड ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया। सब जगह लाठीचार्ज हुई, सब जगह वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, हम लोग को भगाया गया। फिर हम लोग वापस आके अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही क्रांति चौक पर बैठ के आंदोलन करते रहे। सड़क पर गुस्सा था, जुनून था, आक्रोश था, आंखों में सैकड़ों सवाल तैर रहे थे। उठती आवाजों को पुलिस की लाठियों के नीचे दबाया जा रहा था। ऐसे में छात्रों ने एक योजना बनाई कि प्रदर्शन के दौरान लड़के आगे होते थे और लड़कियां पीछे, लेकिन जैसे ही पुलिस लाठी उठाती लड़कियां आगे आ जाती और अपने साथियों के ऊपर झुक जाती। लेकिन फिर भी लाठी डंडों आंसू गैस के गोलों का जोर कम नहीं हुआ। कुछ छात्रों को उस वक्त लगी पुलिस की मार का खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। सत्ता की कोठरी में जैसे सड़क की आवाजें पहुंच ही नहीं रही थीं। बाहर की चीखें अंदर के सियासी पैंतरों के सामने कहीं टिक नहीं रही थीं। कैबिनेट की मीटिंग पर मीटिंग चलती रहती और बाहर छात्र आंदोलन को जिंदगी का निर्णायक फैसला मान चुके थे। हिंदुस्तान की राजनीति हैरान थी और सामाजिक व्यवस्था परेशान। ये हम लोगों को उम्मीद ये नहीं थी कि मंडल कमीशन को लेकर के इतना बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि बीपी सिंह स्वयं ऊंची जाति में पैदा लिए थे और चुनाव का घोषणा पत्र में मंडल कमीशन था। छात्रों के आक्रोश को उम्मीद थी कि सड़क की लड़ाई संसदीय व्यवस्था को झकझोर कर रख देगी, और लगातार बढ़ते जा रहे छात्रों के आक्रोश से राजनीति खुलकर बंटेगी। लेकिन सियासी बिसात तो किसी और ही दिशा में बिछ रही थी। वामपंथियों के पासे और बीजेपी की चौसर ने मंडल सिफारिशों पर छात्रों के आक्रोश को थामने की जगह बीपी को यह संदेश दे दिया कि सियासत को साधने के लिए कुछ नए मोहरों की जरूरत है। हालात हाथ से न सड़क पर निकले, ना ही सत्ता की डोर ढीली पड़े, इसके लिए शरद यादव और रामविलास पासवान वीपी सिंह का पक्ष रखने के लिए जनता के सामने आए। जो लड़के आंदोलन में खिलाफ में थे, मंडल के खिलाफ में थे, वो पिछड़ी जाति के ही थे, तो हम लोगों ने बहुत समझाने कोशिश किया, लेकिन उस समय में इतनी दूरी बढ़ गई थी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर जो है, कि जो ऊंची जाति के लड़के थे वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। छात्र आंदोलन की आग में पूरा देश झुलस रहा था और उत्तर प्रदेश में इसका असर खुलकर नजर आ रहा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक रोज सुबह ही छात्र मंडल विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। सभी छात्रों ने यह तय कर रखा था कि विरोध शांतिपूर्ण और पूरी तरह से अहिंसक होगा।
इस बात की खबर तत्कालीन डीआईजी विभूति नारायण राय को लगी तो उन्होंने कैंपस में जमा छात्रों पर घोड़े दौड़वा दिए। इस वाक्य से मंडल विरोध की आग और भड़क उठी। वीपी सिंह के पुतले जलाए जाने लगे। जब पुलिस कप्तान घोड़े पर बैठकर वह प्रांगण के अंदर प्रवेश करना चाहते थे तो उस समय राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आलोक पंत जी गेट पर थे और उन्होंने कहा कि पुलिस को हम हरगिज परिसर के अंदर नहीं घुसने देंगे। और उस पर जब पुलिस कप्तान ने कहा मैं जाके रहूँगा तो उन्होंने कहा फिर मेरे छाती के ऊपर से घोड़ों को दौड़ाते हुए रौनते हुए ही आप जा सकेंगे। गजब सियासत हो रही थी। वीपी ने शरद यादव और रामविलास पासवान को मैदान में उतारा। तरुण नेहरू सरकार में साथ खड़े होकर ही मंडल कमीशन को यह कहकर खारिज करने में लग गए कि यह सियासी हथकंडा है। सवाल था रास्ता जाएगा किधर। सही मायनों में उस वक्त किसी को नहीं पता था क्योंकि वामपंथी वर्ग संघर्ष की बात कर रहा था, गरीबों के आरक्षण की बात कर रहा था। वीपी अलग रास्ता दिखा रहे थे। बीजेपी हिंदुत्व के गलियारे से राष्ट्रीयता का मंत्र पूरे देश को पढ़ाना चाह रहा था। इट वाज अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रेटजी व्हेन वी फॉट द 89 इलेक्शन। बट इवन द डाई हार्ड मंडल सपोर्टर्स लाइक मुलायम सिंह और शरद, नोबडी हैड आस्क्ड फॉर इट टू बी इंप्लीमेंटेड। एवरीवन रियलाइज्ड व्हाट द इंप्लिकेशंस वुड बी। चौबीस अगस्त 1990 नई दिल्ली। छात्रों के एक बड़े वर्ग को लग रहा था कि संसद से निकले मंडल आयोग के फरमान ने उनके भविष्य को एक अंधी गली में ले जाकर छोड़ दिया था, जिसमें उम्मीद की किरण आरक्षण नीति के नीचे दबकर दम तोड़ रही थी। लिहाजा संसद को ही घेरने की योजना बनाई गई। खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली ही नहीं यूपी और बिहार से भी छात्र संसद के लिए कूच करेंगे। जगह जगह छात्रों को रोकने की व्यवस्था की गई, लेकिन करीब 10,000 छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए संसद के पास बोट क्लब में इकट्ठा हो ही गए। ये सभी छात्र मानव श्रृंखला बनाकर संसद को घेरना चाहते थे, लेकिन ऊपर से आदेश था संसद की घेराबंदी किसी हालत में नहीं होनी चाहिए, तो मौके पर मौजूद पुलिस ने अचानक छात्रों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी और आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस के 50 गोले दाग दिए गए। वीपी सिंह और मंडल कमीशन विरोध की तख्तियां लिए छात्र जमीन पर गिरते चले गए, लेकिन पहली बार छात्र संघर्ष का ये नायाब चेहरा दिखा जब घायल छात्र खुद ही एक दूसरे को सहारा देकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाने लगे। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर लादकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। वहीं पुलिस ने डीटीसी की दर्जनों बसें रखी थीं, जिसमें आंदोलन करने सड़क पर उतरे छात्रों को पकड़कर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जा रहा था। मंडल कमीशन के आंदोलन के दौरान उसके विरोध में जो आंदोलन हो रहा था, चूंकि छात्र सड़कों को बाधित कर रहे थे, जगह जगह वो रुकावटें पैदा कर रहे थे, तो जब पुलिस बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की तो उन लोगों को ले जाकर छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया था, जो एक टेम्पररी एक तरह से जेल था। चूंकि ऑर्डर ऊपर से था आंदोलन सफल ना हो तो तत्काल छत्रसाल स्टेडियम को ही खुली जेल में बदल दिया गया। आपके जहन में याद आएगा अन्ना आंदोलन, स्टेडियम को जेल में बदला गया था। उस वक्त या कहीं अगली सुबह स्टेडियम में बंद छात्रों के लिए पूरी सब्जी और केले बांटे गए थे, लेकिन उस दौर में लौटिएगा तो लोग आंदोलनकारी छात्रों को खाना और दवाई पहुंचा रहे थे। अजीब नजारा था। और अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में आरक्षण शब्द के साथ खूनी आरक्षण शब्द भी छपा। अखबारों और मैगजीनों की सुर्खियों में मंडल आंदोलन पहले पन्ने की सबसे बड़ी खबर बनने लगा था।
अखबारों के पहले पन्ने पर आरक्षण का खूनी चेहरा और संपादकीय में आरक्षण को लेकर बंटे तथ्य। कोई लिख रहा था देश पीछे जा रहा है, तो कोई संपादक जातीय व्यवस्था को देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर पहली बार सही कदम की बात लिख रहा था। लेकिन हर दिन के अखबार छात्रों के प्रदर्शन या खुद को आग लगा लेने वाली खबरों से रंगने लगे। दरअसल इस हंगामे को थामा जाए कैसे, इसे लेकर वीपी सिंह परेशान थे, तो दूसरी तरफ लालकृष्ण आडवाणी ये समझ नहीं पा रहे थे कि इस पूरे हालात से राजनीतिक तौर पर निकला कैसे जाए। और इसी दौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने आडवाणी को निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। प्रदर्शन अगर सड़कों पर चल रहा था तो कॉलेज कैंपस के अंदर भी धरना प्रदर्शन चल रहा था। देशबंधु कॉलेज के छात्र कई दिन से धरने पर बैठे थे। लगभग 9 दिन बीत चुके थे। कुछ छात्रों को ये लगने लगा था कि सरकार उनकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहती। तभी एक खतरनाक फैसला ले लिया गया। डाक विभाग में काम करने वाले एक क्लर्क के बेटे राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगा ली। राजीव गोस्वामी के साथ तरुण त्यागी और अशोक कुमार ने भी खुद को आग के हवाले कर दिया। पूरा देश इस घटना से सन्न रह गया। इस प्रोग्राम से मुझे सर्च करना है तो दिल्ली में आंदोलन दब चुका है, इसमें तेजी लाना चाहते हैं आंदोलन में, दिल्ली में फिर से शुरू हो चुके। राजीव गोस्वामी आत्मदाह मामले की गूंज संसद तक सुनाई दी और बुरी तरह से जले राजीव गोस्वामी को देखने लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के एम्स पहुंच गए। लाल कृष्ण आडवाणी को ये जरा भी उम्मीद नहीं थी कि छात्रों की नाराजगी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। राजीव गोस्वामी को देखने आए आडवाणी को आक्रोशित छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया। अरे अगर आप इस तरह नारे लगाते रहोगे तो मेरी बात तो सुननी पाओ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। यही वो वक्त था जब आडवाणी जी को ये लगने लगा कि अगर बहुत दिन तक वीपी सरकार का समर्थन जारी रहा तो उनकी राजनीतिक कमाई ही खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आडवाणी को यह भी डर था कि अगर सरकार से बिना किसी बड़े मुद्दे के समर्थन वापस ले लिया तो चुनाव में गए तो नुकसान होगा। जाहिर है जरूरत एक ठोस रणनीति की थी, ठोस मुद्दे की थी। राजनीति का मिजाज बदल कैसे रहा था, यह सब कुछ सामने था। और इन सब के बीच छात्रों का आंदोलन आत्मदाह के दौर में पहुंच चुका था। छात्रों के लगातार आत्मदाह की बढ़ती खबरों से वीपी सिंह को लगने लगा कि कहीं मंडल का दांव उल्टा ना पड़ जाए। और आडवाणी को लग रहा था कि राम जन्मभूमि को लेकर साधु संतों के आंदोलन में कहीं से बीजेपी की एंट्री हो। सितंबर के पहले हफ्ते पंडारा रोड पर अपने घर में चाय की चुस्की में तल्लीन आडवाणी को रोशनी मिल गई। मंडल मंडल मंडल, आखिर ये सब क्या होता है? पिछड़ों को वोट बैंक बनाने की राजनीति है और क्या। वीपी सिंह जानते हैं कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, लिहाजा वीपी सिंह अपना सबसे बड़ा सियासी दांव चल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को 2 सीटों पर सिमटना पड़ेगा। ऐसे में राम जन्मभूमि के आंदोलन को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। सोच तो मैं भी रहा हूं कि कैसे साधु संतों के आंदोलन में बीजेपी हाथ बटाए। साधु संत तो फरवरी में ही अपना आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन वीपी सिंह ने कोई और रास्ता निकालने की बात कहकर उन्हें रोक दिया था। लेकिन अब जबकि कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो बीजेपी शिरकत कर सकती है। शिरकत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर गंगा प्रदेश के लोग अगड़े और पिछड़ी जातियों में बट गई तो अयोध्या के आंदोलन को आगे ले जाने में बहुत ही मुश्किल होगा। आचार्य जी, आप ये बताएं कि रास्ता क्या है, हम कैसे पहल करें।
जी आप अयोध्या तक की यात्रा कीजिए, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा। हम रथ बनाएंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में जा सकें, लोगों से मिल सकें और उन्हें समझा सकें कि राम जन्मभूमि क्यों जरूरी है। ये ठीक रहेगा। हमारे पास दो महत्वपूर्ण तिथियां हैं। पहला महात्मा गांधी का जन्मदिवस 2 अक्टूबर और दूसरा 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर। ठीक है 25 सितंबर। 12 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दो कि उपाध्याय जी की जन्मतिथि पर सोमनाथ से अयोध्या तक रामरथ यात्रा शुरू की जाएगी जो कि 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। इसलिए जून महीने में 29 तारीख को ही तय किया गया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के अपने सहयोग के लिए रथ यात्रा का स्वरूप रह सकता है जो मोबिलाइजेशन के लिए उपयोगी होगा। उस समय योजना भी बनी कि अटल जी हैं, सिकंदर बख्त जी हैं, राजमाता जी हैं, अडवाणी जी हैं, चारों देश के चार कोनों से निकले। एक बार विश्व हिंदू परिषद की गंगा की यात्रा ऐसी ही निकली थी, एकात्मता यात्रा कहा गया था, नागपुर में इकट्ठे आए थे चारों दिशाओं से। वही सोचा गया 30 अक्टूबर का, लेकिन शेष तीन लोग चूंकि मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे इसलिए अडवाणी जी ही निकले, सोमनाथ से निकले अयोध्या तक जाए, ये योजना बन गई थी अगस्त महीने के पहले। घोषणा हुई सितंबर में। बिहार और यूपी में लालू और मुलायम की सरकार थी। दरअसल उस वक्त एक पत्रकार ने पूछा कि अडवाणी का रामरथ तो विजय के लिए निकलेगा, इस पर वीपी ने एक चुटकी ली, अयोध्या पहुंचेंगे कैसे? लवकुश बीच में है, कोई ना कोई तो रोक ही लेगा, और ये लवकुश और कोई नहीं लालू और मुलायम थे। तो निश्चिंत वीपी अपनी सियासत में जुटे। वीपी ने अपने घर से छात्रों को संदेश दिया, धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन मानता कौन? I ask you, the youth of India, not to entertain these fears. Your interest is uppermost in my mind. I ask you for trust and patience. I ask you to join me in building a better future. लेकिन वीपी सिंह की अपील का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आंदोलन का कोई नायक नहीं था। छात्र बिखरे हुए थे, मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ संघर्ष ही उन्हें एकजुट कर रहा था। लूटपाट भी शुरू हुई और आंदोलन की आड़ में हर स्तर की राजनीति ने अपना अपना मुनाफा भी ताड़ना शुरू कर दिया। जगह जगह आत्मदाह और आत्मदाह की कोशिशों की घटनाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही चला गया। आंकड़ों के मुताबिक कुल 159 आत्महत्याओं की कोशिश हुई जिसमें करीब 63 लोगों की जान चली गई। भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे को लेकर जनता के बीच हीरो बने वीपी सिंह मंडल मुद्दे पर खलनायक नजर आने लगे। वीपी सिंह अपनी बिगड़ती छवि से बौखला जरूर उठे, लेकिन उनका इरादा किसी भी सूरत में मंडल आयोग की सिफारिशों को वापस लेने का नहीं था। I'm not a villain in the scheduled caste. They have very good feelings for me. Where am I a villain for? Majority, I'm not. And because upper caste thinks their world is the nation and their world is all. वीपी सिंह को सफाई देनी पड़ रही थी कि वो विलन नहीं है। यह कथन बहुत छोटा था, लेकिन इस कथन ने ही पहली बार मंडल समर्थकों में इस भावना को जगा दिया कि मंडल विरोधी आंदोलन की उग्रता धीरे धीरे वीपी सिंह की सत्ता को डिगा सकती है। यह कैसा संदेश था जिसके बाद मंडल के समर्थन में छात्र सड़क पर आ गए, टकराव खुला हो रहा था। दोस्तों हमें जवाब देना होगा, मंडल कमीशन का समर्थन पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है। आखिर हमारे दोस्त ये बात समझ क्यों नहीं पाते? और हमें भी मंडल के समर्थन में प्रदर्शन करना चाहिए। मंडल कमीशन जिंदाबाद, मंडल कमीशन जिंदाबाद, मंडल कमीशन जिंदाबाद, मंडल कमीशन, 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 मंडल कमीशन,
के मुद्दे पर न सिर्फ छात्र बंटे बल्कि स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर भी आपस में बंट गए। एक वो जो मंडल के विरोध में थे, एक वो जो मंडल के पक्ष में थे। अजीब मंजर था। वीपी सिंह का भ्रष्टाचार का मुद्दा धीरे धीरे पीछे छूट गया और अब देश की राजनीति पूरी तरह से मंडल के रंग में रंग चुकी थी। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के भी दिमाग में एक सोशल इंजीनियरिंग का विषय तो था ही, और राजनीति सर्वजन के बीच जानी चाहिए, अंतिम आदमी तक जानी चाहिए, उनकी भी बात थी। इसलिए ये सुसंगत ही बैठता था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के विचार के अनुरूप। हर तरह का कमजोर तबका एक तरफ था, और एक तरफ वो लोग थे जो हजारों बरस से अपने भीतर के देश के लोगों को भी कोई अधिकार मिले उस पर वो इस दूर तक जा सकते हैं। इसी वक्त बिहार के मधेपुरा में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ नेताओं ने स्वर्णों के घर पर हमला कर दिया। मधेपुरा जी, आपके जहन में याद आएगा बीपी मंडल, वही मंडल कमीशन। तो पहली बार इस तरीके का हमला था और यह पहचान बिहार के साथ जुड़ रही थी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी वहीं से आते हैं, तो खुले तौर पर मंडल कमीशन की सिफारिशों ने राजनीतिक संकेत देने शुरू कर दिए, यानी वोट बैंक देखा जाने लगा। पहली बार निचले तबके का क्रीमी लेयर खुलकर सामने आने लगा, उसे लगा राजनीतिक लाभ उसे मिल सकता है। तो जातीय गठजोड़ के जरिए सत्ता पाने की सोच एक नए तरीके से पैदा हो चली थी। मंडल के जवाब में बीजेपी ने कमंडल की राजनीति का मन बना लिया। ये तय किया गया कि गुजरात के सोमनाथ से शुरू करके बिहार होते हुए अयोध्या तक राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। दूसरी तरफ वीपी सिंह ने छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन छात्रों ने वीपी सिंह की इस पेशकश को ठुकरा दिया। एक तरफ छात्रों ने वीपी सिंह की मांग को ठुकरा दिया, तो दूसरी तरफ सरकार के भीतर ही मंडल कमीशन को भुनाने की कोशिश शुरू हो गई। राज्यों में नेताओं को अपना अपना जनाधार याद भी आने लगा और बनाने में भी सभी लग गए। कैया चौधरी साहब, सब ठीक तो है? ठीक ही है, लेकिन अब हमें अपने लोगों के ख्वाहिशों का भी ख्याल रखना होगा। अपने लोग? मैं आपका मतलब नहीं समझा। हम मंडल की सिफारिशों के मद्देनजर जाटों की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। आप लोग खुलकर बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाटों और यादवों की स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लिहाजा जाटों को भी मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूरा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन वो तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लाभ के लिए है। तो उसमें जाटों को भी शामिल कर दिया जाए, यही हमारी मांग है। उत्तर प्रदेश में उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बहुत पहले से प्रशासनिक सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए 15% आरक्षित कोटा की राजनीति शुरू कर चुके थे। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद उन्होंने वीपी सिंह का साथ देना शुरू किया। हालांकि मुलायम सिंह यादव प्रशासनिक सेवाओं के साथ उच्च शिक्षा और प्रमोशन में भी आरक्षण की मांग कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव को लगा कि यही वक्त है जब कोटा की राजनीति के साथ मंडल की सियासत शुरू की जा सकती है। चाहे लालू प्रसाद की बिहार में या श्री मुलायम सिंह की जी की सरकार जो थी वो चल पाई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन राज्यों में पिछड़ों ने इस सरकार को चलाने में मदद की। तो यूपी में मुलायम पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे थे। कांशीराम दलितों के साथ पिछड़ी जाति को जोड़कर सत्ता तक पहुंचने के आंकड़े को समझ रहे थे। वहीं अगली जाति के नेता भी अपने वोट बैंक को समेटना चाहते जरूर थे, लेकिन उनके आंकड़े सत्ता तक पहुंच नहीं पाते। तो बीजेपी के हिंदुत्वग्रात की एक नई प्रयोगशाला इस दौर में शुरू हुई। यूपी स्वर्ण बनाम दलित की सियासत का हिस्सा बना, तो बिहार पिछड़ी जातियों के गठबंधन को लेकर एक नए तरीके से सियासत करने लगा, और इसमें धर्म की चाशनी भी लपेटी हुई थी।
मंडल विरोध और समर्थन की चपेट में धीरे धीरे पूरा देश आने लगा। राजस्थान के उदयपुर में हालात इतने बिगड़े कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिहार में लालू प्रसाद यादव और शरद यादव अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगे थे और सबके पास आधार था मंडल रिपोर्ट। दरअसल देवीलाल को हटाने के बाद शरद यादव को कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स का कार्यभार सौंपा गया था और शरद यादव ने ही वीपी सिंह को सुझाया था कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू कर दिया जाए। तो सिफारिशों के लागू होने के महीने भर बाद 12 सितंबर को बीजेपी ने अपनी बिसात एक नए आंदोलन को लेकर कुछ यूं बिछाई। 12 सितंबर 1990, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली। सुबह से ही पत्रकार जुटने शुरू हो गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। आते ही आडवाणी ने ये घोषणा कर दी कि 25 सितंबर यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि के दिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर से राम रथ यात्रा शुरू की जाएगी, जो महाराष्ट्र और बिहार से होते हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाप्त होगी। कहिए महोदय, क्या चल रहा है? जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। जरा खुलकर कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आप ही कहिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ में बैठ रहे हैं, इससे तो देश के हालात बिगड़ सकते हैं। वैसे भी हालात कौन से अच्छे हैं, और रही बात लाल कृष्ण जी आडवाणी के रथ पर बैठने की, तो उन्हें रथ से कौन उतार सकता है यदि उनने तय कर लिया है तो। लेकिन आपके यहाँ तो आपसी राय के बाद फैसले किए जाते हैं। आप अपना 15 अगस्त का भाषण याद कीजिए, आपने हमसे चर्चा करना तक आवश्यक नहीं समझा था। राजनीति अब उस दौराहे पर आ खड़ी हुई थी जहां से देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली थी। मंडल की आंच धधक रही थी, राजनीति अपनी चरम चाले चल रहा था, पार्टियों की बैठकें हो रही थी, बैठकों में राजनीति, और इन सब के बीच अक्टूबर 1990 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मंडल आयोग की सिफारिशों को फिलहाल लागू ना किया जाए। लेकिन छात्रों में आक्रोश इस कदर था कि इसके बाद भी 2 अक्टूबर 1990 को सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जन्मतिथि के दिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल के 2 छात्रों ने खुद में आग लगा ली। पंजाब में हालात और बिगड़े, होशियारपुर समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ गया। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ, गुजरात। लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी पत्नी प्रमोद महाजन, सिकंदर बख्त और नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ के लिए आ पहुंचे। आडवाणी जी पूरी तरह से शांत थे। इस बात के 2 मतलब निकाले जा सकते थे, या तो उन्हें अपने इस कदम के परिणाम का पूरा अंदाजा था, या वो नहीं जानते थे कि आने वाले दिनों में उनकी ये यात्रा राजनीति को क्या रंग देगी। Journalists who were accompanying me right from there, in the very first day, Pani ji, does it seem to you that you are making history of some kind? I said, I am perplexed, I am baffled, I am not able to understand this. It will take time. Pramod Mahajan, who was with me, he was also somewhat wonderstruck. Lata Mangeshkar ka ek geet मनोज कुमार ने भेजा, जो राम रथ यात्रा का शीर्षक बन गया। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम ना आए। तो लाल कृष्ण आडवाणी उस यात्रा पर निकल पड़े जिसके परिणाम का अंदाजा
सही मायने में लालकृष्ण अडवाणी को भी नहीं था। और मजे की बात देखिए, रथ चलाने वाला ड्राइवर सलीम नाम का मुसलमान युवक था और रथ यात्रा को शुरुआत में देख कौन रहा था? जी, नरेंद्र मोदी। तो अब आप कल्पना कीजिए, उस वक्त मंडल की राजनीति के जवाब में शुरू की गई राम रथ यात्रा देश को धर्म के आधार पर राजनीतिक तौर पर बांटने की दिशा में बढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेताओं को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मंडल की काट चाहिए थी और कमंडल हाथ में था, तो इससे बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है? दूसरी तरफ दिल्ली में इससे हड़कंप मच गया। वीपी सिंह सरकार ने ये संकेत दिए कि वो किसी भी सूरत में ये यात्रा रोकना चाहती है, जिसका बीजेपी ने कड़ा इतराज जताया। 15 अक्टूबर को वीपी सिंह ने सरकार और मंदिर आंदोलन के बीच कड़ी का काम कर रहे एस गुरुमूर्ति को बातचीत के लिए बुलाया। वीपी ने राम जन्मभूमि के समाधान का रास्ता गुरुमूर्ति से पूछा। गुरुमूर्ति ने 3 सूत्रीय हल सुझाया। पहला, विवादित और अविवादित जमीन सरकार अपने कब्जे में ले और अविवादित भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दे। दूसरा, विवादित ढांचे को यथास्थिति में उसके आसपास की 30 फुट जमीन के साथ केंद्र सरकार अपने अधिकार में ले ले। तीसरा, ये मसला अदालत नहीं सुलझा सकती तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत प्रमाण देगी जिसमें राम जन्मभूमि को लेकर कोई सवाल ना हो। सत्ता में साथ रहकर शहमात का खेल यकीनन यही हो रहा था। अडवाणी को दीपावली के मौके पर दिल्ली आकर 17 तारीख को कोलकाता रवाना होना था। वीपी ने कहा, आप कोलकाता ना जाइए, हम मामले को सुलझाएंगे। अडवाणी ने तय किया, सीधे धनबाद जाएंगे, वहीं से रामरथ यात्रा शुरू आगे के हिस्से में की जाएगी। ज्योति बसु से भी फोन पर बात हो गई, लेकिन झटके में गुरुमूर्ति के 3 सूत्री फार्मूले को वीपी सिंह ने पलट दिया या खुद पलट गए। और उन्होंने अविवादित जमीन भी सरकार के ही कब्जे में रखने की बात कही और मंदिर न्यास को जमीन सौंपने से इनकार कर दिया। और तो और, अडवाणी के पास संदेश भिजवाया कि अडवाणी जी, आप रथ यात्रा टाल दीजिए, हल निकलेगा तो मैं भी कार सेवा के लिए अयोध्या चलूंगा। जाहिर है ये एक ऐसा बयान था जो टकराव में आग लगा रहा था। 16 अक्टूबर 1990 की शाम प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठक हुई, जहां वीपी के साथ 4 वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, जॉर्ज फर्नांडेस, अरुण नेहरू, अजीत सिंह और कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी। गुरुमूर्ति के 3 सूत्री फॉर्मूला को मानना संभव नहीं है। क्यों? अगर 3 सूत्री फॉर्मूला पर अध्यादेश जारी कर दिया तो उससे जुड़े हुए विवादित मसलों का क्या होगा? कई मुकदमे चल रहे हैं, उनका क्या होगा? तो फिर गुरुमूर्ति को उसी वक्त इन तथ्यों की जानकारी क्यों नहीं दी गई? जरा गुरुमूर्ति से बात कीजिए। मैंने तो गुरुमूर्ति और अरुण जेटली को मीटिंग में आने को कहा था, पर अब तक उन लोग क्यों नहीं आए? आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन विवादित मुद्दों पर इतनी उलझन क्यों? देखिए, अध्यादेश लाने का मतलब है पुराना सारा विवाद, सारे मुकदमे समाप्त। इसका मतलब तो श्री राम कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, यह बात अदालत के हिस्से में नहीं आती। विवादित जमीन पर सरकार अधिकरण कर वैधानिक कार्रवाई कर सकती है। बात तो सही है। वीपी सरकार ने रात में ही एक प्रेस रिलीज जारी कर अध्यादेश की जानकारी दे दी, लेकिन किसे पता था उस अध्यादेश की उम्र चंद घंटों की थी। रात में ही सरकार पलट गई और जानकारी यही निकली कि मुलायम सिंह यूपी में वीपी के अध्यादेश को लागू करने के खिलाफ थे। जाहिर था बीजेपी के लिए यह आघात भी था और विश्वासघात भी। और इसके बाद संकेत उभरने लगे कि अडवाणी की रथ यात्रा होने भी दी जाएगी या नहीं। 7 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक थी। कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया गया कि भाजपा केंद्र सरकार से मांग करती है कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करे,
और जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होने दे। कार्यकारिणी सरकार को चेतावनी देती है कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया या उसने जन भावनाओं के प्रतीक रथ यात्रा को बाधित करने की कोशिश की तो भाजपा को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो हर किसी की सांसें अटकी हुई थी कि सरकार रहेगी या चली जाएगी। और वीपी के सामने दो आंदोलन थे और दोनों ही आंदोलन सड़क से सत्ता को आईना दिखाना चाहते थे। देश में मंडल कमंडल को लेकर सियासत का नायाब ताना बाना इस दौर में बुना जा रहा था। अडवाणी बिहार में यात्रा शुरू करने के लिए धनबाद पहुंच चुके थे या कहीं दिल्ली से निकल चुके थे, लेकिन उस वक्त तक इस देश को इसका एहसास भी नहीं था कि बफोर्स घोटाले के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए वीपी को सत्ता मिली, वही सत्ता मंडल की आग तले कमंडल की बिसात पर ऐसा मोहरा बन जाएगी कि देश की राजनीति ही बदल जाएगी। और महज 6 दिन बाद जो हुआ उसने सत्ता भी पलटी और आने वाले वक्त के लिए एक नए आंदोलन का आगाज भी कर दिया। कैसे, ये सब बतलाएंगे आपको अगले एपिसोड।